नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को दोपहर तक 94 लोग संक्रमित मिले हैं और एक संक्रमित के स्वस्थ होने पर उसे डिस्चार्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज रविवार को दोपहर तक 94 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें से 93 RT-PCR व 1 एंटीजन में संक्रमित पाए गए। एक व्यक्ति के स्वस्थ होने पर उसे डिस्चार्ज किया गया। जिले में वर्तमान में 370 केस एक्टिव हैं। पिथौरागढ़ वन विभाग द्वारा प्रभागी वनाधिकारी कोको रोसे के निर्देशानुसार लकड़ी आदि की तस्करी करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत बीती रात वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान एक मैक्स वाहन को चंडाक रोड में 42 अदद चीड़ की बल्लियों के साथ पकड़ा, लेकिन वाहन चालक अधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लगभग 80,000 रुपये आंकी गई है। चेकिंग टीम में बीट प्रभारी गणेश चिराल, वन रक्षक मनोज ज्याला, मनोज पिलखवाल, धीरज तिवारी आदि शामिल थे। मुख्य खास की सूचना मिली थी हमें कि चरना वाले क्षेत्र से एक बुलरो मैक्स लकड़ी भर के आ रही है, जिसमें प्रभारी वन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार टीम गठित की गई और टीम द्वारा मौके पे एक गाड़ी जिसका नंबर UK-05DA-1569 है, जिसमें 42 चीज की बलियाँ भरी हुई थी और गाड़ी को सीज करके उसमें वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और अपराधियों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अपराधी जो भी वन उपज के दोहन में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इनको बख्शा नहीं जाएगा। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने व आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत स्टैटिक सर्विलांस टीम SST घाट द्वारा चेकिंग के दौरान 1,00,000 रुपये की धनराशि बरामद की गई। वाहन चालक द्वारा धनराशि से संबंधित कोई भी वैध कागज न दिखा पाने के कारण उसे सीज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घाट बैरियर में चेकिंग के दौरान एक कैंटर में से वाहन चालक अमित कुमार निवासी नयाकोट टनकपुर के पास से 1,00,000 की धनराशि बरामद की गई। वाहन चालक द्वारा वर्तमान में जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर बिना वैध कागज के अधिक मात्रा में धनराशि ले जाने पर उसे सीज किया गया। चेकिंग टीम में SST प्रभारी घाट ललित कुमार, SI अनिल कुमार, कांस्टेबल मदन मोहन शामिल थे। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पुलिस का अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस व SOG टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों प्रकाश सिंह बिष्ट निवासी पंडा को 2 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ तथा अमित सिंह निवासी पंडा को 17 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 1 पेटी बियर के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया है। संयुक्त टीम में उप निरीक्षक मनोज पांडे, उप निरीक्षक प्रकाश पांडे, कांस्टेबल नंदन सिंह, अब्दुल खालिद, सुंदर सिंह, अरविंद सिंह, मनमोहन भंडारी, संदीप चंद, गोविंद रतला आदि शामिल थे। इधर आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस द्वारा 2 सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 4 व्यक्तियों के विरुद्ध 110G CRPC व 51 व्यक्तियों के विरुद्ध 107/116/151 CRPC के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई। निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने BLO को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने पिथौरागढ़ विधानसभा के विभिन्न मद्दे स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने BLO से मद्दे स्थलों पर पंजीकृत मतदाता, दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मध्य स्थल 33 कुजौली में निर्वाचन कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित BLO के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा क्षेत्र के बुजुर्ग मतदाताओं के घर पहुंचकर मतदान और कोविड वैक्सीनेशन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए। कोविड टीकाकरण कार्यों का जायजा लेने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 11 देवी का औचक निरीक्षण कर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान क्षेत्र में
329 लोगों को कोविड की दूसरी डोज न लगाए जाने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार लगाते हुए आशा व ANM के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को घर घर जाकर सर्वे कर 100% लोगों को कोविड की दूसरी डोज लगाने को कहा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में खराब पड़े उपकरण और मशीनों को ठीक कराने के निर्देश भी जारी किए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने थरकोट गांव पहुंचकर गांव के लोगों से वैक्सीनेशन की जानकारी और जिन लोगों को टीका नहीं लगा था उन्हें टीका लगवाया गया। इस दौरान DM डॉक्टर चौहान ने आशा व ANM को डोर टू डोर सर्वे करने व छूटे हुए लोगों का टीकाकरण तथा बूस्टर डोज लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही बरतने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार पंकज चंदोला, डॉक्टर सुहासिनी आर्या, ANM चित्रा पांडे, भावना भट्ट, कमला देवी आदि मौजूद थे। 14वीं वाहिनी ITVB द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूर्य नमस्कार सहित योगाभ्यास का आयोजन किया गया। 14वीं वाहिनी के सेनानी हरेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इसी क्रम में वाहिनी की अग्रिम चौकियों मिलम, मुगडियार, मुनस्यारी सहित अन्य 14,500 फीट की ऊंचाई वाली चौकियों में भी जवानों और अधिकारियों द्वारा सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। साथ ही चुनाव ड्यूटी में सल्ट और रानीखेत में नियुक्त वाहिनी के पदाधिकारियों द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मद्देनजर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण यहां लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय सभागार में जारी है। जनपद की चारों विधानसभा में मतदान संपन्न कराने के लिए 1876 पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों की तैनाती की गई है। शनिवार को डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी ने बताया कि प्रशिक्षण के दूसरे दिवस 488 कर्मियों में से 13 कर्मी अनुपस्थित पाए गए और प्रशिक्षण के पहले दिन 11 कार्मिक अनुपस्थित रहे थे। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी ने किसी कारण से प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाए कार्मिकों को 17 जनवरी को महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने को कहा है। अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की बात भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कही है। हमारे चैनल पर नियमित समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।